नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी कैटेगरी कट ऑफ देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं ये पता लगाएंगे, कहाँ के बच्चे, अर्थात जैसे दो लोकेशन आपको ठीक वाली दे रहा हूँ, एक प्रयागराज वाली और एक गाजियाबाद वाली। ये गाजियाबाद में सेंटर पड़ता है दिल्ली वाले सेक्टर का, और एनालिसिस करके बताता हूँ। देखिए, गाजियाबाद में क्या रहा है कि 63.93% स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं, अप्रोक्स 64% समझ लीजिए आप, 64%। और सबसे बड़ी बात जो है कि प्रयागराज में उपस्थिति रही है 68%। मतलब ये देखिए, जो लोग समझदार हैं वो समझ रहे होंगे, जो लोग नए हैं उनसे कहेंगे कि इस प्रकार की उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है। भैया पड़ता है, पूछिए कैसे। ये जो इलाहाबाद जगह है ना, प्रयागराज जो जगह है, कंपटीशन की जगह है, यहाँ तैयारी की दर अधिक है, बच्चे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक से तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं नोट्स से, 100 से ज़्यादा प्रश्न, केवल 2500 रुपये की क्लास थी ये, 2500 रुपये की, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रश्न मिल गए हैं, प्लस नोट्स भी इसी में शामिल थे, देख लीजिए सबूत। और ये यहाँ से देखिए, सैयद मोदी, नियोप्रिन, ऑपरेशन गंगा, तीसरी सूची, चौथी सूची, मेहता जी पी के सीधे थूक रहे हैं, देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक, पेज नंबर 86, करण जी के इको मार्क, पर्यावरण 13वें पेज पे पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। खुशी छत से पौधे ने फोन देने आई है, करवाए तो बेहतरीन तैयारी थी, अब सरल ही आ गया तो क्या किया जाए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 3 या 4 प्रश्न अभी ऐसे हैं, जब आयोग की आंसर की आएगी तब इनमें कन्फ्यूज़न रहेगा। 4 प्रश्न का चक्कर है, प्रश्न भी अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ केवल कट ऑफ का एनालिसिस करना है। इन नोट्स की कीमत 2023 के लिए कल से 3000 रुपये हो जाएगी, आज 2500 रुपये की कीमत है। अपडेटेड ही दूंगा, किसी को पुराने नहीं दूंगा, ये जो जितना मैंने नया पढ़ा है वो सब अपडेट करके ही दूंगा। इसमें प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरजी, अधवा बांध, अहरोरा बांध, ये दोनों भी करा दिए हैं मैंने, ये भी आप निकाल लेते। बिम्स्टेक सम्मेलन वाला 100+ क्वेश्चंस हैं इसमें, और एक हमारे यहाँ से भैया दरोगा में सिलेक्शन हो गया है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले ले चलते हैं आपको और प्रश्नों पे। अलाउद्दीन के सैनिक घोड़े पर असीन जाम पीते हैं, ये इवन आपको वो व्यक्ति फैक्ट तो बता ही रहा है, वो ये भी बता रहा है कि याद ऐसे रखो इन्हें, ये तो कह रहा है कि ये आएगा, अब ये आएगा तो याद भी कैसे रखना है ये भी बता रहा है बाद। तो अब आगे शुरू करते हैं। 100+ प्रश्न, आप कहिए 120 प्रश्न, देखिए खड़े होकर उड़ नहीं पाई, सीधा आ गया खड़ाधार जलप्रपात, सीधा मिल गया प्रश्न। श्री राम विशिष्ट है, वीडियो नंबर 80 स्पेशल क्लास का है। चलिए 100+ प्रश्न है इन्हीं नोट से, तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। पहले तो एक बात समझिए कि कुल रजिस्ट्रेशन जो थे वो 603,000 लगभग रजिस्ट्रेशन है, इसका 54.9% अप्रोक्स 55% लोगों ने परीक्षा दी है, तो ये डिजिट हो जाती है जो एक्यूरेट आ रहा है मेरे पास संख्या, वो 330,658 आ रहा है, 330,658। सभी कैटेगरी कट ऑफ की बात करेंगे। एक और समस्या आने वाली है, ये EWS को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं आयोग वाले। पहले करना ये चाहिए कि जनरल का पहले निकाला उसके बाद EWS अप्लाई करना चाहिए। इन्होंने 2 बार जो भर्ती की है, EWS की कट ऑफ ऊपर दिखा दी है, मतलब ये ऊपर से पहले EWS ले लेते हैं फिर उसके बाद जनरल लेते हैं, तो ये कमी है आयोग में। तो EWS वालों के साथ पिछले साल 2 साल से लगातार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनकी कट ऑफ हाई जा रही है। अब स्थिति यह है कि प्रयागराज से जो 68% बच्चे बैठे हैं, 68% ये कंपटीशन में है, प्लस गाजियाबाद से जो बच्चे बैठे हैं वो कंपटीशन में है 63.93, वहाँ से भी अन्य जनपदों से भी है, इवन मेरा तो मथुरा था, तो वहाँ से भी आप समझ लीजिए कंपटीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक काम और किए देता हूँ मेरे भाइयों, जिसको शक हो रहा हो मेरी बातों पे, तो मेरा रोल नंबर भी आप नोट करो 388548, इसे रट लो दिमाग में 3885, क्योंकि अभी आएंगे बहुत सारे एरे गहरे नत्थु गहरे, अपनी लिखने की टाइपिंग करने की क्षमता को दिखाएंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आएंगे,
कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, उन्हें लगेगा कि उनका नहीं हो रहा, या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, वो भी अपनी प्रतिभा के धनी है तो यहाँ पे आके 3-5 करेंगे ही करेंगे, तो उन सबका स्वागत है और उन सबका वेलकम है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम देखें, सबसे पहले हम ST की कट ऑफ की बात करेंगे। ST मेरे पास जो पदों की संख्या है वो 350 से थोड़ी अधिक है और इनमें पद बढ़ने की भी उम्मीद है। पद कम होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है, कुछ पद बढ़ जाएंगे। अब इनकी कट ऑफ की अगर आप बात करें तो 78 प्लस माइनस 2 जनरल में ST की कट ऑफ 78 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्वेश्चंस हैं ये, नंबर नहीं है। अगर नंबर निकालने हैं तो 1.33 200 बट्टे 150 करके 78 से गुणा कर लेना। अब आगे की बात समझते हैं। इसी बीच लिंक मैंने खरीदने का दे दिया है आप लोगों को, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको फ्री में चीज़ें मिलती रहेंगी। ऐप है मेरी RM उपाध्याय के नाम से, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। उस ऐप में तैयारी, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, 100 से अधिक प्रश्न है तो 100 से अधिक ही प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों से मेरी कल बात हुई है इस संदर्भ में, ये भी वीडियो मैं आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। और ये रिव्यू है, अभी जितने भी लोग मेरे साथ मेंस लिखेंगे उनके भी मैं रिव्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले ये देख लीजिए, 1 घंटे में पढ़ने के बाद आत्मविश्वास आ गया है, बस 1 ही घंटे पढ़ाई। इवन देखिए मेरी तो जो पढ़ाई रही है ना, 150 जो प्रश्न यहाँ से आपको मिल रहे हैं 150 में से, वो केवल पढ़ाई, केवल 15 घंटे पढ़ना है। लोगों की तो 15-15 घंटे की एक ही वीडियो होती है, मेरे साथ तो केवल आप 15 घंटे पढ़िए ठीक से, मतलब मैं तो छांट के देता हूँ कि इतना पढ़ना है आपको। पढ़ना तो ज़्यादा ही पड़ेगा भैया, जिनका बेसिक क्लियर हो। ट्रिक ऐसे काम नहीं करती है, एक बात और समझिए, ट्रिक से पहले कंसेप्ट जल्दी क्लियर करो, फिर अगर फैक्ट याद रखने हैं तब ट्रिक का इस्तेमाल करो। मैं तो बस इतना कराता हूँ, कंसेप्ट क्लियर कराया। और हाँ एक बात और, एक 2023 के लिए गारंटी वाला बैच शुरू है, आप मेरे साथ अभी से जुड़ेंगे, प्री मेंस दोनों की तैयारी है, 1000 रुपये महीने में, बस कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है। जो लोग 2022 मेंस लिखने वाले हैं वो भी जुड़ सकते हैं मुझसे, बहुत कम कीमत पे। आगे की बात करते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, चिंता मत कीजिएगा। अब बात करेंगे हम कट ऑफ की SC की। SC अभी मेल की बात हो रही है, फीमेल की एक ही कैटेगरी में एक ही लिस्ट आती है इसमें प्री में, तो अलग अलग सेपरेट नहीं होता है। तो मैं अभी महिलाओं की भी बताता हूँ, पहले SC कैटेगरी की बात करते हैं। SC कैटेगरी में आप ये देखिए कि 78 क्वेश्चन इनका रहा, तो बस तीन से चार क्वेश्चंस आप लगाइए, 81 to 84 क्वेश्चंस, 81 to 83 क्वेश्चंस SC कैटेगरी का, एकदम आप अपने आप को कल से मुख्य परीक्षा में लग जाएं आप। पेपर वहाँ बैठ के सरल लगता है, वहाँ बैठ के आपके दिमाग में आ रहा हुआ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब हम बाहर निकलते हैं तो पता लगता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पूछ क्या रहा है ये समझ में नहीं आता है। आगे की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे महिलाओं की कट ऑफ की, फीमेल कट ऑफ की। जो SC का कट ऑफ है अप्रोक्स, महिलाओं का कट ऑफ भी उतना ही रहेगा, मतलब 81 क्वेश्चंस अगर आपके क्लियर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अपर में कितना भी हो तो आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, जैसे कि कल जैसे ही एग्जाम हुआ था मैंने 90 क्वेश्चंस बताई थी मेरिट, अब वहाँ भी एक दो आदमी पता नहीं क्या है कि 90 क्या उसे 90 नंबर पे हो जाएगा क्या जनरल में, सीधी बात 90 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। आप इस उम्र में हो गए, इतनी उम्र हो गई आपकी, अभी आप ये नहीं समझ पा रहे कि 90 क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि 90 नंबर कहा जा रहा है, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए कल का पेपर देखते हुए। चलिए आगे देखते हैं इसी में, तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है सामान्य वर्ग की कट ऑफ में। इस कट ऑफ में आप 90 से कम 3 या 4 प्रश्न कम कर लीजिए, ये पिछली बार भी करना पड़ा था, इस बार भी करना पड़ेगा, और पद बढ़ गए तो ये और भी कम होंगी। पद बढ़ने की कोई सूचना जैसे कि कल मिली थी मैंने आपको दे दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका, ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप से पढ़ लीजिए आप, सबसे सस्ती पढ़ाई है, पढ़िए तो सही आप। अब क्या है, अगर पद बढ़ते हैं तो ये और कम हो जाएगी, तो आप कम से कम मान के चलिए 83 to 85 क्वेश्चंस जनरल, 5 तक पहुंचेगा जनरल, 85 तक।
किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोई समस्या हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, शायद मुझ पर आता होगा तो मैं बता दूंगा आपको। और कल मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, उनसे एनालिसिस किया है, नए नए जितने भी बच्चे थे उन्हें यही नहीं पता कि सेकंड पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, 80 प्रश्न अटेम्प्ट करने के बाद वो सिलेक्शन चाह रहे हैं। तो अभी उन्हें ज्ञान की ज़रूरत है। धीरे धीरे चैनल से आप जुड़े रहिए, सूचनाएँ मिलती रहेंगी। हैव ए नाइस डे, बाय।